करवा चौथ के व्रत के बाद जब आप थाली मनसते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसके बाद सास को गिफ्ट दिया जाता है। अगर आपकी सास नहीं है या आपकी सास आपसे दूर है, तो ऐसे में आप वो गिफ्ट माता रानी को दें और किसी को ना दें। यानी कि मंदिर में जाके माँ पार्वती जी के पास रख दें, या पंडित जी की वाइफ मिले तो उन्हें अपनी सास समझकर उन्हें दे दें। या अगर आपको किसी ने सर्गी दी है, आपकी सास के सिवा आपकी जेठानी ने दी है, तो आप उन्हें दे सकते हैं। आपकी नंद अगर आपको सरकी देती है तो आप उसे दे सकते हैं। मतलब जो इस रिश्ते को निभा रहा है फिर उसको दे सकते हैं। प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस व्रत को मत रखिए। अगर आपने अभी अभी डिलीवरी करी है तो इस व्रत को मत रखिए, और आपके घर के कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को करिए। करवा चौथ में सीख का बहुत महत्व होता है। देखिए, वैसे तो हम दिल्ली NCR में रहते हैं या मुंबई में भी रहते हैं, तो सीख बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको सीख ना मिले करवा चौथ के व्रत में, क्योंकि हर कोई करवा चौथ के व्रत में सीख का प्रयोग करता भी नहीं है, तो ऐसे में आप दूर्वा ले सकते हैं, दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में बाहर खाना खाने का आजकल बहुत रिवाज है। अगर आप नहीं बना सकते हैं, आप अकेली हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि बाहर खाना नहीं खा सकते। आप बिल्कुल बाहर खाना खा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह से आप भूखी होती हैं, पहला कौर जो आप अपने मुंह में डालें वो आपके हस्बैंड ही आपको खिलाएं। लेकिन किसी कारण से अगर आपके हस्बैंड दूर हैं तो वीडियो कॉल करके उनका चेहरा देख लीजिए, उन्हें फ़ोन पर ही खाना इस तरह से ऑफ़र करके खुद खा लीजिए। क्योंकि देखिए, आधा पंजाब ये व्रत रखता है, और पंजाब के अंदर ज़्यादातर लोगों के हस्बैंड जो हैं वो फौजी हैं, तो जैसी रीत हो सके जितना हो सके उतना करिए। तबीयत बहुत ख़राब है राखी जी, इस बार व्रत रखना चाहती थी पर नहीं रख सकती, तो बिल्कुल मत रखिए। पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, भगवान इन कंडीशंस को जानते हैं। और अगर आपके यहाँ करवा चौथ नहीं भी होता तो भी समझाऊंगी, चूड़ी पहनना, 16 सिंगार करना, पतिदेव से मांग भरवाना, उनको गिफ्ट देना, उनसे गिफ्ट लेना, और ऐसे में चांदी का गिफ्ट देना या लेना सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो